एबीपीएस न्यूज़। उसके नियोक्ता की उसके इंप्लायर की अनुमति के बिना भुगतान नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल रख दिया और इन तीनों भारतों को समाप्त कर दिया। यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। आज वह बिल संसद में पास होने जा रहा है, उसी के विरोध में तमाम संगठनों के और देश के लखनऊ के गणमान्य नागरिक यहाँ एकत्र हुए हैं। मुख्य मांगे क्या है वो बता दें। हमारी मुख्य मांग ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 20 मार्च 2018 के फैसले का सम्मान किया जाए और SC ST एक्ट में संशोधन बिल्कुल वापस। आपका क्या कहना है, क्या 2019 के चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये बिल्कुल वोट की सस्ती राजनीति है, और अगर वोट की सस्ती राजनीति मोदी सरकार ने बंद न किया तो देश के 78% नागरिकों ने यह तय कर लिया है कि वोट की सस्ती राजनीति का वोट से ही करारा जवाब दिया है। हमने मांगे ये रखी है कि सरकार इस बिल को ही वापस कर ले, क्योंकि यह 22% के लोगों के हाथ में एक ऐसा गलत हथियार खिलौना देने जा रही है जिसके द्वारा ये लोग 78% जनता पर अपना दुरुपयोग करेंगे और 78% की जनता को कामयाबी में सफल नहीं होने देंगे। और ये 22% लोगों का एक बहुत बड़े तानाशाही के राज्य की स्थापना, बहुत दिनों से दलित वर्ग के लोगों में अहंकार भी भर गया है, वे लोग अपने अहंकार का झूठा प्रदर्शन करके अपने अहंकार का ये करके बदला लेने की नीयत से हम सारे लोगों पर, चाहे हम सवर्ण हों चाहे हम पिछड़े वर्ग के लोगों, हम पर वो हमला करेंगे और हमारी बात भी नहीं सुनी जाएगी। जब हम किसी अधिकारी कर्मचारी जो SC ST के होंगे उनकी नाकामयाबी पर आवाज़ उठाएंगे तब वे लोग थाने में जा करके FIR कर देंगे और हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।